टेंसेंट जो एक चाइनीज कंपनी है जिसका पॉपुलर गेम पबजी भी था, और आपको पता है इंडिया में उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी थी उस गेम की इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड ओवर। लेकिन आजकल जो है कंपनी थोड़ी डेंजर में आई हुई है, चाइनीज गवर्नमेंट की नजर में आई हुई है और काफी प्रॉब्लम्स झेल रही है। 5,500 एम्प्लॉय जो है इन्होंने रिसेंटली ले ऑफ करे, फायर किए हैं, और ये पिछले डेकेड में पहली बार ऐसा हुआ है। इनके रेवेन्यूज की अगर बात करें तो 60% से जो है प्रॉफिट डाउन गया है इस साल, और 40% से जो है शेयर प्राइस गिर गया है। तो ये इतनी ग्रोथ करने वाली कंपनी के साथ शोभा नहीं देता कि ऐसे नंबर्स हो, और लोगों का विश्वास जो है इन्वेस्टर्स का वो थोड़ा सा उठ रहा है इस कंपनी में। आखिर रीजंस क्या है इसके पीछे, क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है चाइनीज गवर्नमेंट की वजह से, और इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो बने रहिए एंड तक। माय नेम इज कैप्टन शशांक एंड यू आर वॉचिंग द कैप्टन पॉडकास्ट। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन चाइना विद टेंसेंट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम टेंसेंट की बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में इसने 2 बिलियन से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ऐसे छोटे मोटे कंपनी नहीं, लोकल आपका जो है शेयर चैट, ओला, स्विगी, इन सब में टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इस कंपनी को कुछ होता है तो इंडिया में जो बड़ी बड़ी ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं इनको भी असर पड़ेगा। अब जैसे अगर टेंसेंट की बात करें, थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखें, जब ये शुरुआत हुई थी इसकी 1998 में, मतलब काफी पुरानी कंपनी है, जब गूगल वगैरह स्टार्ट हो रही थी तब उसी टाइम की कंपनी है ये। 1998 में इन्होंने एज अ गेमिंग नहीं, एक मैसेंजर सर्विस, क्यूक्यू नाम का इनका मैसेंजर था, उससे शुरुआत करी थी, और काफी उसमें आगे ग्रोथ करने के बाद इन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्किंग सर्विस एक तरह से स्टैब्लिश करी थी, जिसमें इनके 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स इन्होंने एक्वायर कर लिए थे 5 साल के पीरियड के दौरान। और जैसे मोबाइल हमारा आज की टाइम पे अपनी बॉडी का ऑलमोस्ट एक पार्ट बन गया है, वैसे ही उसकी ग्रोथ पे इन्होंने कैपिटलाइज किया। और वी चैट, जैसे अपना व्हाट्सएप है वैसा ही एक मैसेंजर इन्होंने लॉन्च किया वी चैट करके, काफी पॉपुलर है चाइना में। इनफैक्ट जो चाइनीज नेशनल बाहर भी रहते हैं कंट्रीज में, वो भी इसको यूज करते हैं, बिकॉज उसमें जैसे हमारे पेटीएम में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, रिचार्ज की, पेमेंट्स की, बिल पेमेंट्स की, उनके एक ही ऐप में वी चैट में आप मैसेजिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट्स भी कर सकते हैं, सारी सुविधाएं एक जगह दे दी। तो इसके वजह से इनकी ग्रोथ काफी तेजी से हुई, और यहां पे ही ये कंपनी नहीं रुकी, इन्होंने क्या किया, अपना जो यूजर बेस खड़ा किया था क्यूक्यू और वी चैट की वजह से, और उसकी वजह से इन्होंने देखा कि इस यूजर बेस को, जो चाइनीज पॉपुलेशन थी उन्हें गेमिंग काफी पसंद थी, आपने देखा होगा हमारे गेम के कैरेक्टर या तो जापानीज या चाइनीज इस टाइप के होते थे पहले, क्योंकि वहां से गेमिंग बहुत पॉपुलर होती थी और उनको ये वीडियो गेम्स और ये सारी चीजें काफी पसंद थी। और इस चीज को यूटिलाइज करते हुए इन्होंने अपने एक्टिव यूजर बेस जो वी चैट और क्यूक्यू था उनके थ्रू जो है बहुत ही ज्यादा माइलस्टोन्स सक्सेस के हासिल किए गेमिंग इंडस्ट्री में। एंड इनफैक्ट 2018 में ये वर्ल्ड की नंबर वन गेमिंग कंपनी बन गई, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स ईए और एक्टिविजन इनको पीछे छोड़ते हुए, टेंसेंट बिकेम द बिगेस्ट प्लेयर इन गेमिंग। और 2 डेकेड के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में घुसने से 30% ऑफ रेवेन्यू जो है इनके इसी सेगमेंट से, गेमिंग से आते हैं, और इन्होंने सारी कंपनीज को छोड़ते हुए पीछे खुद की एक नंबर वन टेक्नोलॉजी कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी में भी जगह बना ली थी। लेकिन जब सक्सेस इतना होता है तो सबकी नजर भी लग जाती है, जैसे हमारे यहां बोलते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने देखा कि काफी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी देखा कि जो वहां का यूथ है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर इस गेमिंग का काफी गलत फर्क पड़ रहा है, वो इसके एडिक्ट हो जा रहे हैं, और एक स्पिरिचुअल ओपियम का टर्म दिया गया, यानी कि सस्ते नशे एक समझ सकते हैं आप, इस तरह के बातें करी गई इन कंपनीज के गेम्स के बारे में कि वो एडिक्ट कर देते हैं यूथ को, और वो अपने फोकस कहीं और स्टडीज या फिर प्रोडक्टिव चीजों में ना करके पूरे दिन गेमिंग में ही लगे रहते हैं। और आउट ऑफ द ब्लू गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब बच्चे सिर्फ गेम जो है फ्राइडे सैटरडे संडे यानी वीकेंड पे ही खेल सकते हैं, बाकी दिन उन्हें गेम खेलना ही अलाउड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एक तरह से देखिए आप,
कोई कल को हमारी गवर्नमेंट उठ के बोले कि आप सिर्फ वीकेंड पे ही वीडियो गेम या फिर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो कैसा लगेगा। बट ये चाइना में ऑन ग्राउंड हुआ है और इस वजह से इस कंपनी पे काफी फर्क पड़ा है और इसकी एक डीप रीजन भी है। 2002 में क्या हुआ था कि दो बच्चों ने, उनको गेमिंग कैफे में गेम खेलना अलाउ नहीं किया था तो उन्होंने उस कैफे को जला दिया था और कैफे को उस जलाने में 24 लोगों की जान चली गई थी। वो इतना एडिक्ट हो गए थे, उनको मना किया गया तो उन्होंने कैफे ही जला दिया, साइबर कैफे जैसे होते थे पहले उसको जला दिया और उसमें 24 लोगों की जान भी गई। तो मतलब ये एक्सट्रीम जो यंग माइंड है वो बहुत इंप्रेशनेबल होता है, वो बहुत जल्दी एडिक्ट भी हो जाता है। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस ना दी जाए तो इस तरीके की हरकतें भी कर सकता है जिसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। ये चीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे काफी स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। अब इसकी वजह से टेंसेंट पे जो असर हो रहा है आप देखिए, क्योंकि 110 मिलियन माइनर्स यानी कि जो 18 साल से कम की उम्र के लोग हैं वो 3% यूजर बेस बनाते हैं टेंसेंट का। अब अगर वो खेल ही नहीं पाएंगे थ्रू आउट द वीक तो इनके जो रेवेन्यूज हैं उन पे बहुत असर पड़ेगा। और यहां पे नहीं रुकी गवर्नमेंट ने नए गेम्स भी अप्रूव, वहां पे गेमिंग अप्रूव होती है, मतलब आप गेम लॉन्च करने से पहले जैसे फिल्में हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन के लिए जाती हैं, गेम्स भी वहां सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं और विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी यू कांट पब्लिश द गेम। तो ये चीज जो है अभी लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट ने नए गेम्स भी पब्लिश करने के लिए पे रोक लगा रखी थी, हालांकि अप्रैल में उन्होंने स्टार्ट कर दिए नए गेम अप्रूव करना, बट टेंसेंट के यहां से जो भी अभी तक गेम गए कोई भी अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो नए नए गेम अगर आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे तो आपके जो है फ्यूचर ग्रोथ पे बहुत असर पड़ेगा। आपकी एक तो ऑलरेडी जो डेमोग्राफिक जो आप जिसकी टारगेट करते थे वो आपकी यूजर बेस से हट रही है क्योंकि वीकडेज में अलाउ नहीं है माइनर्स को खेलना अब, और साथ में आपके नए गेम्स जो अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन वो भी आपको अलाउ नहीं है, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है इनके कंपनी के वर्किंग पे। अब चाइना में जब नहीं ग्रो कर सकते बड़ी कंपनी, उसको ग्रो तो करना ही है, तो इस वजह से आता है इंडिया पिक्चर में। अब आप देखिए इंडिया में ऑलरेडी जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे काफी रोक लगी हुई है, एक तरह से हमने एप्स को भी बैन किया था, प्लस जो नया इन्वेस्टमेंट आना है वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के रूट से आता है कि वो लोग अप्रूव करेंगे तो ही होगा, और आपको पता ही है गवर्नमेंट अप्रूवल कितना मुश्किल होता है लेना। तो इन्होंने क्या किया है, जो अपनी प्रॉक्सी कंपनीज खड़ी कर दी है यूरोप में या फिर इधर उधर सिंगापुर में। अब आप एग्जाम्पल के लिए तौर पर अगर देखें तो शेयर चैट जिसमें टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने अपने प्रॉक्सी से रूट किया है, जो यूरोपियन है कंपनी जेनिस कैपिटल बीवी एंड होल्डिंग बीवी एज इन्वेस्टर जो दिखाता है शेयर चैट वो एक्चुअली में टेंसेंट की ही प्रॉक्सी कंपनी है जो यूरोप से ऑपरेट कर रही है, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट नहीं आ सकते तो यूरोप के रूट से ये लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं इन कंपनीज के लिए स्पेशली जो ऑलरेडी जिसमें टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है या नई कंपनीज के लिए जो स्टार्टअप्स इंडिया में ग्रो कर रही है, कि अगर आपको जब और फर्दर कैश रेज करना होता है, फंड रेज करना होता है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं कि भाई हम और रेज कर रहे हैं क्या आप और इन्वेस्ट करेंगे, तो या वो इनको बोल सकते हैं कि भाई हमारे तो वैसी तंगी चल रही है, अब तुम कहां से हमसे पैसे लोगे, और खुद भी तुम जो है अब अच्छा से कैश क्रंच हो रहा है तो खुद पुल अप योर सॉक्स एंड प्रॉफिटेबल बनो और कुछ कमा के हमें भी दो ताकि हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़े और उसको हम किसी और को बेच सके, दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच सके, ताकि हमारा जो कैश क्रंच है वो हो सके। तो या तो एक ये सिनेरियो हो सकता है कि इंडिया में फंडिंग का थोड़ा क्रंच आ जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो चाइनीज थे वो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, प्लस उनके ऊपर जो मुश्किलें आई हुई हैं जिसकी हमने बात करी। या फिर यहां पे दूसरी एक सिनेरियो ये हो सकता है कि कंपनीज जो है चाइना बेस्ड वो डबल डाउन कर जाए यहां पे, क्योंकि आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या है इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया। तो इंडिया में वो डबल डाउन कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, जो भी कमाई हो रही है वो दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट, एंड इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया जैसी अपॉर्चुनिटी और कहां मिलेगी। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या सिनेरियो वर्कआउट करेगा, और क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसी गेमिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि यूथ जो हमारा डाइवर्ट ना हो, अपनी फोकस रहे अपने प्रायोरिटीज पे। गेमिंग को मैं मानता हूं एज अ करियर भी आज के टाइम पे देखा जा रहा है, बट कितने लोग उसमें अपना करियर सक्सेसफुली बना पाते हैं वो भी देखने की जरूरत है। अगर आप एडिक्ट हो जाते हैं उस गेम का तो उसको छुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है इंडिया में,
rather than having those draconian laws जो चाइना में हो गए कि भाई आपकी आजादी छीन रही है, कि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं वीकडेज में खेलना और वो सब, उसके अलावा क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या पेरेंट्स का रोल इसमें इन्वॉल्व है? जरूर कमेंट करके बताएं। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस कवरिंग दिस टॉपिक, कैसे एडिक्शन से दूर जाया जा सकता है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें द कैप्टन्स पॉडकास्ट को। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।